नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और सफल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है तभी आपकी सुख और समृद्धि डैमेज होती है, घर की सुख और शांति चली जाती है। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी एक चीज मैंने इंट्रोड्यूस की है, जरकन। जरकन अगर आप धारण करते हैं तो घर में गजब की सुख और समृद्धि आती है, और पैसे, सोना चांदी खींचने के लिए बहुत अच्छी चीज है यह है दोस्तों, पाइराइट। पाइराइट अगर आपके घर में है, गरीबी आपको टच नहीं करेगी। आप इसका ब्रेसलेट भी मंगा करके पहन सकते हैं, आप इसकी अंगूठी भी पहन सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप इसको रो फॉर्म में घर में रखें, ऐसे जैसे मैंने रखा है। कई लोग दोस्तों ये चीज 500 ग्राम किलो किलो भी मंगवा रहे हैं, इससे भी ज्यादा, जो बॉलीवुड में है वो तो बहुत ज्यादा प्रमाण में मंगवा रहे हैं, ताकि सुख और समृद्धि कभी घर से जाए ही नहीं। बहुत अच्छा ये उपाय है, कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा मैं आपको बताऊं कि सुबह जब आप सो करके उठते हैं, ये इंतजार ना करें कि मुझे स्नान करना है उसके बाद ही ये क्रिया करनी है। हाँ, स्नान करके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। एक लोटा तांबे का एक लोटा जल ले लें और अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ आप जल डाल दें और थोड़ा सा जल बाहर की तरफ फेंक दें। आपने देखा होगा जिस घर में या दुकानों के बाहर सुबह सुबह साफ झाड़ू लगा करके पानी छटा हुआ दिखाई देता है, वहाँ आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा डेवलप होती है। ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है ये आपको बहुत कुछ दे जाती है। ये पॉजिटिव ऊर्जाओं को आपके घर में आने के लिए प्रेरित करती है। नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। कई लोगों ने ये उपाय, जब मैंने बहुत पहले इस उपाय को इंट्रोड्यूस किया था, कई लोगों ने लिखा कि मैडम जब हमने इसकी शुरुआत की थी उस समय हमारे पास इतना कोई पैसा नहीं था, लेकिन आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, और ये नियम हम बिना भूले करते हैं, रोज नियम ही बना दिया है। सोकर उठना है, सीधे एक लोटा पानी पहले बाहर डालना है, झाड़ू उठाए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे खाली कर दे और एक लोटा पानी डाल दे, किस्मत चमक जाए। करके देखिए, तो ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।